टुडेज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th इन पार्ट 7। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, 5x³ + 4x² + 7x। इसमें बताना है कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसकी डिग्री क्या है। तो जो हाईएस्ट पावर टर्म होगी वो हमारी जो है एक्सपोनेंट या डिग्री होगी। इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट पावर टर्म इज़ 5x³, क्योंकि इसकी पावर जो है 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, 5x³, एंड एक्सपोनेंट मतलब जो इसकी पावर है वो क्या है 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 - y², इसमें हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, y²। तो जो -y² और इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी 2। नेक्स्ट है 5t - √7, इसमें जो हाईएस्ट पावर टर्म क्या है 5t, जिसकी कोई पावर नहीं है उसकी एक्सपोनेंट क्या होती है 1। तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या है 1। नेक्स्ट इज 3, इन दिस इक्वेशन वी हैव नो गिवन एनी वेरिएबल सो दैट एक्सपोनेंट इज 0। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वाई या टी वेरिएबल्स के अंदर पावर थी, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसकी कोई भी पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें बताना है कि लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं। जैसे कि x² + x, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी जो दो टर्म्स में होगी वो होगी क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x - x³, ये कौन सी डिग्री में है, 3 है इसकी डिग्री, तो ये कौन सी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। y + y² + 4, इसकी भी हाईएस्ट जो पावर टर्म वो क्या है 2, सो इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज 3t, इसकी पावर क्या है 1, तो ये क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। 1 + x, एक्स की पावर यहाँ भी क्या है 1, तो इट इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल। r², तो इसकी जो डिग्री 2 है तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली 7x³, ये क्या है, इसकी जो डिग्री 3 है तो ये क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल।